हेलो दोस्तों, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 की सुनसान सड़क पे ओम चौक पर ये भीड़ आपको देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पर एक भैया चाइनीज स्ट्रीट फूड का एक कार्ट चलाते हैं। चाइनीज स्टाइल पास्ता हो, ग्रेवी मोमोज हो या फिर हनी चिली पोटैटो के साथ साथ यहाँ पे चाइनीज आइटम्स की बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और भैया के बनाने का स्टाइल ऐसा है कि उसके क्या ही कहने। और स्पेशली वीकेंड्स पे यहाँ पे भीड़ इतनी रहती है कि आपको हर 5 मिनट में शिमला मिर्च और प्याज कटती हुई दिखेंगी। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चाउमीन, हनी चिली पोटैटो और पास्ता भैया के इस अनोखे स्टाइल में कैसे बनता है। लो भाई, वेज चाउमीन में पनीर भी आ गया। अगर मैं वीकेंड्स को मिला दूं तो 100 से 150 लोग डेली यहां पे विजिट करते हैं। प्याज और शिमला मिर्च वोक में जाने के बाद जब भैया चिली सॉसेस का यूज करते हैं और उसके बाद जो आग निकलती है वो विजुअली बहुत ही सॉलिड लगती है। और लोकली यहां पे अमित भाई अपने हनी चिली पोटैटो और पास्ता के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आ रही है और जब तक हमारा पास्ता रेडी हो रहा है, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मिक्स सॉस पास्ता को बनाने में भैया ने मेयोनीज और क्रीम का भरपूर यूज किया है। देखते हैं भैया ने इस इटालियन डिश को चाइनीज स्टाइल में कैसे बनाया है। इस पास्ता को बनते देख हमारी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। और यह हमारा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। ओ भाई, इस आग को तो बहुत दूर से देखा जा सकता है। और अब यहाँ के फेमस हनी चिली पोटैटो की बारी। मैंने तो लाइफ में पहली बार हनी चिली पोटैटो को आंखों के सामने बनते हुए देखा है और इस तरह हनी को डालना, वाह। हनी चिली पोटैटो का ये रेड कलर बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगता है। और थोड़ी ही देर बाद ये हमारे हनी चिली पोटैटो बनकर हो गए हैं रेडी। और भैया ने थोड़ी सी क्रीम भी डाली है ऊपर से। तो दोस्तों, मुझे तो ये पास्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा और मैं इसको 5 में से दूंगा 3.5 नंबर। ये हनी चिली पोटैटो तो कुछ ज्यादा ही चटपटे हैं। मुझे ये भी टेस्टी लगे और मैं इनको दूंगा 5 में से 3 नंबर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इस चाइनीज पास्ते का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।